टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव. तो जैसे एनसीईआरटी का टॉपिक है, प्रूव कर दो ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है. आप कितनी बार प्रूव करें, मैंने तो प्रूव एक लाइन में कर दिया. कैसे? माइनस mgh, mgh, टोटल सम जीरो. तो कोई पूछे एक लाइन में कैसे प्रूव करोगे, मैं कहूंगा देखो क्लोज्ड पाथ में टोटल अमाउंट ऑफ वर्नर जीरो आ गया ना, तो कंजर्वेटिव है, एक लाइन में प्रूफ है. पर चलो तीन नंबर का क्वेश्चन में क्या लाइन में प्रूफ करोगे? तो ऐसे करो, एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके जाओ, सीधा ले जाओ एट हाइट ऑफ h, इसका वर्क डन निकाल लो. फिर दूसरे केस में इसको इधर 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 और इधर लेके जाओ, टोटल वर्क डन निकाल लो. फिर तीसरे केस में h हाइट ऊपर प्लैंक लगा के ऊपर लेके जाओ, फिर वर्क डन निकाल लो और प्रूव करो सब में वर्क डन एग्जैक्टली सेम है. तो आपको मानना पड़ेगा कि फोर्स क्या है, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी h हाइट पर बॉडी को लेके जा रहे हैं इसलिए. तो अब इस केस में सपोज केस नंबर वन, मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गया एट हाइट ऑफ h ले गया, तो ऑब्वियसली मैंने कितना वर्क डन, मैंने ग्रेविटी नहीं, मैंने कितना वर्क डन किया, mg into h, तो मेरा वर्क डन mg h पता ही है वो तो. लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को a से c से d e b लेके गया, तो जब मैं a से c पे लेके गया तो मैंने फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी कहां लगाई, ऊपर mg. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ac. mg और ac में एंगल है जीरो, तो वर्क डन क्या आएगा, mg into ac, mg into ac. लेकिन जब cd पे जाएंगे तो ग्रेविटी की फोर्स देख रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं देख रही यहां पर, क्योंकि किसको प्रूव कर रहे हैं, ग्रेविटी को कंजर्वेटिव. तो फोर्सेस सिर्फ ग्रेविटी की, तो फोर्स अभी भी कहां लेनी है, ऊपर या नीचे y एक्सिस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे है, x एक्सिस में. तो ग्रेविटी की फोर्स y में होती है, मान लो ऊपर फोर्स लगाई, जा बॉडी x में रही है, तो एंगल इनके बीच में कितना है 90, तो ये वर्क डन क्या कहलाएगा, 0. fs cos 90 is 0. इसके अंदर mg into de into cos of 0, इसके अंदर 0. हॉरिजॉन्टल वर्क डन ग्रेविटी में क्या काउंट होते हैं, 0. ग्रेविटी के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वर्क डन काउंट नहीं करते, वर्टिकल काउंट करते हैं. तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, mg into ac plus mg into de. तो ऐड करेंगे mg into ac plus de, पर ac plus de किसके इक्वल है, h. तो इन दोनों की जगह क्या पुट किया, h. तो आंसर क्या आ गया, mgh. क्लियर है यहां तक? तो दूसरा वर्क डन भी सेम है. तीसरा, इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को ऊपर चढ़ा दिया एट एंगल ऑफ थीटा, तो बॉडी नीचे आ रही थी विद mg sin थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट s है. तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो कम से कम फोर्स ऊपर कितनी लगानी पड़ेगी, mg sin थीटा. तो बॉडी को ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स ऊपर क्या लगी, mg sin थीटा. डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s. तो वर्क डन क्या है, mg sin थीटा into s into cos 0. तो आंसर क्या आएगा, mg sin थीटा into s. लेकिन यहां पर sin थीटा किसके इक्वल है, h upon s. sin थीटा की जगह h upon s, s से s कैंसिल, आंसर फिर से क्या आ गया, mgh. तो पहले केस में भी, दूसरे केस में भी, तीसरे केस में भी वर्क डन क्या एग्जैक्टली सेम. तो इसका मतलब पाथ मैटर नहीं कर रहा, क्या मैटर कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन h. तो ये ग्रेविटेशन की फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव. एक और केस किया हुआ है, आप एक बॉडी को ऊपर फेंक दें और फिर नीचे आ जाएगी उसी पॉइंट पर, तो ऊपर का वर्क डन और नीचे का वर्क डन एक माइनस mgh एक प्लस mgh, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, जीरो. और कंजर्वेटिव होने की यही निशानी है कि जहां से स्टार्ट हुआ खत्म वहीं पर हुआ, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो. तो चौथा केस भी कर दिया इसमें एक ही लाइन में. तो ये प्रूव हो गया सारा काम अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, जीरो. ठीक है यहां तक? तो प्रूव हो गया कंजर्वेटिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर.